पहले 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 तब चालू आलू 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 ही खिलाया जा रहा है पहले बच्चा भाई अंदर आ चुका हूँ, बाहर बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही। मतलब Hey guys, welcome to the another vlog. So, अभी हम उठ चुके हैं, फिलहाल चलते हैं बाहर और करते हैं ब्रेकफास्ट। पहले फ्रेश होते हैं फिर करते हैं ब्रेकफास्ट। तो फिलहाल हम नहा धो के हो चुके हैं रेडी, एंड रेडी क्या मतलब चेंज कर लिए कपड़े और पूजा वगैरह भी हो चुकी है। फिलहाल अभी करूंगा लंच, बिकॉज यार लेट हो चुका था, ब्रेकफास्ट क्या ही करता। अभी एक डेढ़ बज गया, अब इसे लंच करते हैं। मम्मी खाना बना रही है, फिर चलते हैं नीचे। आज का मौसम भी ऐसे ही हो रहा है, मतलब बादल बादल वाला, अरे अपने फ्लैग बढ़िया लग रहा है यार, बस हवा नहीं चल रही और बाकी तो सब ठीक है। अच्छा वहाँ पे ना अटक रखा था तारों में, इसलिए उठ नहीं रहा था, अब ठीक उठ रहा है, बढ़िया लग रहा है। भाई खाते हैं खाना, और आज मैंने खीरा और स्प्राउट्स भी ऐड कर लिए अपने लंच में। फिलहाल करते हैं उस साथ में, देखते हैं अपने तारक मेहता। काफ़ी घर आ चुके हैं हम अपने रूम में और करते हैं थोड़ा काम, फ्री था थोड़ा, सोचा काम ही कर लूँ। और मम्मी जा रखी है बाहर किसी काम से, एंड यार मतलब बोर ही हो रहा है घर पे बैठे बैठे, क्योंकि एक या डेढ़ महीने तक अभी कॉलेज बंद रहेंगे, बिकॉज यार वही है, इंटर्नशिप वगैरह करनी थी इस महीने, तो मेरी इंटर्नशिप चल रही है ऑनलाइन। मतलब बीच बीच में बुलाते हैं वहाँ पे, ऑफिस में बुलाते हैं, बट ऑलमोस्ट सारी ऑनलाइन चल रही है मेरी तो। बट क्या ही कॉन्टेंट बनाऊँ यार घर पे बैठे बैठे, मतलब कहीं बाहर जाना हो तो थोड़ा सोचा बना लिया, बट घर पे कितना ही बना लूँगा। कौन बनाएगा कड़ी? तो तू कड़ी बना दे, कड़ू बना रहा है, कड़ी क्या बनानी है, कड़ू बनाना है वो करना, बस प्याज प्याज मैं बताती हूं कैसे। प्याज लहसुन वगैरह मोटा मोटा वो हल्का हल्का फ्राई कर लो, डाल देना कड़ी, डाल देनी नमक को आई कृपया करके खुद ही बना लेना, बना देंगे कृपया करके, क्या कड़ी बनाने को दे दो। कड़ी के साथ खाओगे? आलू मटर भी है फिर? कितने आलू मटर? तीन दिन हो गए आलू मटर आलू मटर। कब? पहले 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 आलू 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 खिलाया जा रहा है। पहले कभी आलू गोभी, चुप रहो, कभी आलू गोभी, कभी आलू मटर, कभी राजा होता है ना, चुप रहे, कभी आलू मटर, कभी आलू मटर आलू गोभी होता है, कुछ कभी कुछ आलू आलू नहीं आता, बनाते हैं यार, मेरे को नहीं खाने यार, मैंने भी नहीं खाने, आलू बना रहे, बना दे पूरे आलू भी मीठे मीठे बना रखे हैं, बना भी जो दाल बनानी अच्छी लगती है ना, बना जा दाल चाहिए क्या, दाल से दाल खाना है, मैं बना के भी बहुत लोग छोले बाय के चल रहा, अभी भी नहीं वाला कुछ भी सोने का, वो खाया ना अभी, खाया क्या खाया कल? कल क्या खाया? चाप खाई, इतनी हैवी चाप खाई, तो सारा होता है जो भिंडी बेच रहे हैं, मेरे ब्लॉग नहीं करने देंगे। हे गाइस वेलकम अगेन, सो ये है अगला दिन, इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करूँ बिकॉज कल कुछ खास था नहीं आपको दिखाने के लिए, और वैसे भी मेरा मन कर नहीं रहा था, तो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। एंड आज हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट में रोटी सब्जी, सब्जी रही है हमारा घिया, थोड़े स्प्राउट्स लिए हैं मैंने, एंड थोड़ा पीनट बटर, एंड साथ में ब्रेड, और ये रोड निकाल दिए मैंने ऊपर से, और अभी लगाएंगे पर्दा, बिकॉज यार पर्दा नहीं है तो ना बड़ा अनकम्फर्टेबल सा लग रहा था। चलो तो ब्रेकफास्ट करते हैं फिर उसके बाद लगाते हैं। अनबॉक्सिंग तो हो गई थी बट वो थे थोड़े टाइट, तो मैंने रिफंड कराए थे, मेरा रिफंड करवा रहा था, तो उसमें मुझे चाहिए था 9 नंबर, वैसे तो 8 आता है पर मेरा पैर थोड़ा चौड़ा है, उसमें 9 नंबर चाहिए, 9 नंबर आ नहीं रहा था, तो मतलब पहले रिफंड कराने की सोच रहा था, फिर सोच रहा एक्सचेंज कराऊँ, पर एंड में मैंने रिफंड करवा ही दिया, तो चलो वो देखते हैं उसको, तो हो गया। फिलहाल अभी करते हैं हम लंच, और आज बने हमारे दाल चावल, वो खाते हैं उसको, फिर उसके बाद करेंगे थोड़ा काम। जो मतलब पिक्चर है शायद अपनी बेटी से।
अभी उठ चुके हैं और उठ तो मतलब पहले ही गया था, तो बीच में सर का फ़ोन आया कि मीटिंग है तो मीटिंग ज्वाइन की। फिर अभी थोड़ा क्लास वगैरह ली थी तो सर ने बोला था कि कल आना है, तो सर ने कल मुझे क्या मतलब दो तीन बंदे हो रहे हैं उनको थोड़ा लेट बुलाया था, मतलब 5 बजे के आसपास बुलाया था, तो भाई आते आते हो जाएंगे लेट। एंड अभी फिलहाल चलते हैं, हो चुका मैं रेडी, अभी चलते हैं जिम और आज हम मारेंगे अपनी बैग। कौन सा थैला अच्छा जिम जाएंगे अभी थोड़ी देर बाद, फिलहाल अभी चलते हैं दुकान में। एक्चुअली यार क्या हुआ कि घर पे ना खटमल बहुत आ रहे हैं, खटमल नहीं दीमक सॉरी, वो पूरी लकड़ी खा गए वहाँ पे ना। और अभी मतलब कटोरी निकाला, कटोरी में मतलब पहली बार देखा मैंने ऐसे वाइट से दीमक थे। तो फिलहाल चलते हैं दुकान और पास से थोड़ा मिट्टी का तेल लेना है एंड दीमक की दवाई लेनी है, बाकी यार बाद में करवाते हैं इसको भी ठीक है। एंड उसमें एक लकड़ी आती है HDMR करके ना, वो लगवाएंगे फिर शायद ठीक हो जाए, देखते हैं जैसे भी होता है। फिलहाल चलते हैं, चलो भाई पहुंच चुके हैं जिम एंड करते हैं एक्सरसाइज, फिर मिलते हैं आपसे। शीशा बहुत गंदा रखा है भाई, मुझे साफ करना पड़ेगा क्या। भाई जिम से तो आ चुके हो और नीचे तक मेरे हिसाब से ना इन ऊपर वो जो होती है दीमक वाली दवाई वो छिड़क दी, अब नीचे तक इतनी गंदी स्मेल आ रही है। तो कह रहे मैं पनीर ले आया हूँ, किचन में घुसने की हालत नहीं है भाई बिल्कुल भी, पता नहीं नीचे तक इतनी ज़्यादा स्मेल है, ऊपर पता नहीं कितनी ज़्यादा स्मेल होगी, पता नहीं क्या होगा। चलो देखते हैं ऊपर जाके आपको दिखा। भाई 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 क्या है ये, तो पूरा गंद मचा रखा है, सारा सामान बाहर निकाल दिया है, ऐसा लग रहा है घर खाली कर रहे हो सब कुछ गायब भाई, सारा सामान यहाँ पड़ा है, लगता नहीं इतना सा सामान है, देखना कितना सा सामान है, पूरा यहाँ मोल भर गया है पूरा। प्लेट 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 वाह, मैं देखना कहाँ पे आया हूँ प्लेट लेने, जहाँ कुछ है ही नहीं, प्लेट पड़ी है यहाँ पे। तो भाई मील प्रिपेयर हो गई है और मैं पनीर ले आया था क्योंकि पापा का फ़ोन आया था कि वहाँ पे मैंने दवाई छिड़की है तो किचन में जाना पॉसिबल नहीं होएगा। सो मैंने आज वो शेक नहीं रखा था क्योंकि हर थर्सडे को मैं अकेला खाता नहीं हूँ, इसलिए मैंने इसकी जगह ये ले लिए थे, योगा बार करके आते हैं ना कोई, पता नहीं जो भी है, पर बढ़िया है अभी। चलो खाते हैं इसको फिर आपसे मिलते हैं। रूम में आया था तो पापा को बोला था कि ये स्ट्रमी में ये वाला आटा डालना था, मेरा फोकस ना चले गया, ये आटे को इसमें डालते हैं फिर चलते हैं नीचे खाना खाते हैं। ये देखो पूरा चिट्टा चिट्टा हो गया हूँ, कल मारते झाड़ू और नीचे भी पूरा गंद मच गया है, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा होगा देखना ये रेटर में। भाई करते हैं साफ उसके बाद चलते हैं नीचे। भाई अंदर आ चुका हूँ, बाहर बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही, मतलब पागल हो चुके हैं भाई बाहर। फिलहाल भाई इस मैगी मसाले को रखता हूँ अंदर, अंदर का मतलब मेरा कि मैं इसको रखता संभाल के, क्योंकि यार जब भी मैं मतलब मैं तो यूज़ करता हूँ इसको उसके लिए, लाइक कंपनी ले लिया फिर सोयाबीन होगी उसमें ऊपर डालने के लिए टेस्ट चेंज करने, टेस्ट अच्छा आता है। बट एक बाहर रखा मैंने तो ये क्या करती है मेरी बहन, खुद के लिए उस मतलब कुछ बना रही होगी तो उसमें डाल लेगी या कुछ फ्रेंच फ्राइज हो उसमें डाल देगी, इसलिए भाई मैं सेफर साइड पर इसको रखता अंदर ताकि यूज़ करे तो मैं ही करूँ और कोई नहीं करे। यार इसको रखता हूँ अंदर और उसके बाद करेंगे लंच बोल रहा हूँ डिनर करेंगे, फिर करते हैं इस वीडियो क्लोज, ज़्यादा लंबी बन गई है मेरे ख्याल से। को रखते हैं अंदर एंड ये देखो भाई ये भी शुक्र है यहाँ पे रख रखा है इसलिए बचा हुआ है, नहीं तो ये भी गायब हो जाता। चलो भाई अब कोई नहीं लेगा। हम आ चुके हैं अपने रूम में एंड करते हैं इस वीडियो क्लोज, होप करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आए लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करना क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, बाय बाय।